की डिटेल्स आप लोगों को पहले भेजी जा चुकी है, कल मेल पे भेज दी गई थी, हो सकता जिसका आप लोगों ने कर दिया होगा, जिससे आप लोगों को समझने में स्क्रीन आसानी रहेगी। मैं अनुरोध करता हूँ उनसे ऐसी आइडिया साहब से कि अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें और सभी लोग माइक को म्यूट कर लें, जिससे कि सबको बकायदा सुनाई पड़े, और इसके बाद जो क्वेरी हो अपना अपना नोट करके रख लीजिए, जब प्रेजेंटेशन ओवर हो जाए उसके बाद अपनी क्वेरी आप लोग पूछ सकते हैं। जैसा अभी एचओडी सर ने बताया कि इस साल जितने भी एस्टिमेट फील्ड से आने हैं, चाहे वो न्यू कंस्ट्रक्शन के हो, चाहे वो रिन्यूअल के हो, चाहे एसआर के हो, चाहे वार्डिंग स्ट्रेंथनिंग के हो, वो सभी के सभी ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में ही आएंगे, और यहाँ से हेडक्वार्टर से भी शासन सॉफ्ट कॉपी में ही जाएंगे, वित्त में भी वो सॉफ्ट कॉपी में ही जाएंगे। हार्ड कॉपी लेने से शासन और वित्त दोनों ने मना किया हुआ है। पहले से ही हमारे डिपार्टमेंट में एस्टिमेटर के नाम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने की प्रोसेस चल रही थी, उसी को अब थोड़ा सा इजी करके अभी जो इस समय आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, ये उसी का थोड़ा सा संक्षिप्त स्वरूप है। जिससे पहले ये होता था कि आपका हर एक एस्टिमेट डिटेल एस्टिमेट के फॉर्म में आता था, फिर यहाँ पर वो स्वीकृत हो रहा है नहीं हो रहा है इस पर हमेशा संशय रहता था, और उतने डिटेल एस्टिमेट बनाने में आपकी भी एनर्जी लगती थी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी लगते थे, और वो सारे के सारे सैंक्शन नहीं हो पाते थे। तो उसमें यहाँ पर ये निर्णय हुआ है कि सबसे पहले एक दो पेज की समरी ले ली जाए, जिसमें सारे आपके जो कुछ प्रपोजल उसके समरी रहे कि ऐसे ऐसे कॉस्ट है, ऐसे ऐसे प्रपोजल है, उसके बैकग्राउंड में सारे कैलकुलेशन वगैरह रहेंगे। तो जब जैसे पहले 90s में होता था कि एक पहले प्रारंभिक आग्रहण बनता था, शासन जाता था उस पे AAES हो जाती थी, उसके बाद वो सैंक्शन होने के बाद में फिर उस पे TS होती थी, वो TS तो फिर केवल SC चीफ लेवल के रह जाता था, डिटेल एस्टिमेट शासन नहीं जाता था पहले। कि उसी तरीके से अब आपका बर्डन कम करने के लिए कि आप पूरा का पूरा डिटेल एस्टिमेट बना के हेडक्वार्टर पे जमा कर दें, सब जगह परीक्षण भी हो जाए, फिर उसमें से आधे भी एस्टिमेट सैंक्शन ना हो, तो सारे की सब जगह फाइनेंशियल और टाइम सभी रिसोर्सेज वेस्ट होते थे। तो उसके लिए एक निर्णय लेके एक फॉर्मेट डेवलप किया है कि उसमें सारे के सारे आपके प्रपोजल के डिटेल्स आ जाएंगे, और वो सारे के सारे अब ऑनलाइन ही आने हैं। और आपको भी दिक्कत होती थी कि कोई भी एस्टिमेट डिवीजन में बना कि फिर वो SC साहब के लेवल पे गया उसमें कोई करेक्शन हो गए, फिर वो चीफ साहब के लेवल पे गया उसमें कुछ करेक्शन हुआ, फिर वो हेडक्वार्टर पे आया यहाँ पे कुछ करेक्शन हुआ, तो इतनी जगह करेक्शन होने के बाद वो शासन जाता था। तो सब जगह करेक्शन करके बाद में उसको करेक्ट करते करते हमारी इंजीनियर्स की टीम परेशान रहती थी। ऑनलाइन हो जाने से ये सिस्टम हो जाएगा कि डिवीजन से वो एस्टिमेट ऑनलाइन सर्किल जाएगा, SC साहब उसका देखेंगे, कुछ करेक्शन होगा तो डिवीजन को वापस कर देंगे, अदरवाइज वो चीफ साहब को फॉरवर्ड कर देंगे, चीफ साहब उसको ऑनलाइन देखेंगे, उसमें कोई करेक्शन होगा तो SC और डिवीजन को वापस कर देंगे, अदरवाइज वो हेडक्वार्टर को आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ भी करेक्शन होगा तो सारे के सारे करेक्शन ऑनलाइन रहेंगे, जो डिवीजन कभी भी क्लिक ऑफ द माउस से कर पाएगा। पहले की तरह नहीं होगा कि तीन तीन हार्ड कॉपी में करेक्शन कर रहे हैं, और एक भी फिगर एक भी जगह पे कुछ चेंज होता था पूरा का पूरा वहां से जगह आपकी कॉस्ट और लेंथ तो सारी चीजें चेंज होती रहती थी, अब उसकी गुंजाइश नहीं रहेगी। एक बार ये कुछ दिनों बाद प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत ही इजी प्रोसेस हो जाएगी। उसके लिए ये जो छोटा सा एस्टिमेट बनाने की एक फॉर्मेट तय किया है, उसका पूरा का पूरा सिस्टम बना के अपलोड कर दिया गया है, उसका URL भी सभी लोगों से कल शेयर कर लिया गया है। किसी को दिक्कत होगी तो हम URL हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ग्रुप पे पड़ा है, इंजीनियर्स ग्रुप पे भी कल डाल दिया गया था, जो XCN ऑफिशियल ग्रुप है PWD का उस पे भी कल डाल दिया गया था, AK सिंह साहब ने डाल दिया था। तो फिर भी अगर किसी को नहीं मिला होगा तो मीटिंग के बाद में बता देंगे और फिर से शेयर हो जाएगा। तो होपफुली कल थोड़ा बहुत आप लोगों ने ट्राई किया होगा, अदरवाइज अभी जो सॉफ्टवेयर बना है हम इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको पूरा करा रहे हैं। अभी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इसको पूरा का पूरा इत्मीनान से देख लीजिए, हमारे पास पूरे घंटे भर का टाइम है, हार्डली 10-15 मिनट लगेंगे, उसके बाद जो कुछ भी होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप लोग इस प्रेजेंटेशन भी कल शेयर कर लिया था, इस प्रेजेंटेशन के बेसिस को सॉफ्टवेयर को चलाने की कोशिश करिए, बहुत इजी टू यूज है, मतलब एस्टिमेट बनाना तो हमारे लिए हम हमेशा बनाते ही रहे हैं, तो वो कोई नई चीज नहीं है, बस उसका थोड़ा सा हम लोग कंप्यूटर से अभी भी इतना हो ही चुके हैं, सभी चीजें कंप्यूटर से हो ही रही हैं, तो सब चीजें अब आराम से हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी,
फिर भी दिक्कत आएगी तो हम लोग फिर से एक बार वीसी करके उन सारे दिक्कतों को समाधान कर लेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी टीम से कि वो प्रेजेंटेशन आपके सामने करेंगे। एक आध मिनट का हो सकता है आपको वेट करना पड़े, और ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी बीच में अपने माइक्स ऑफ रखिएगा, क्योंकि आपकी आवाज करीब 3.5 सेकंड कनेक्टेड है, सभी लोगों को सुनाई पड़ती, सभी लोगों की डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर हम लोग प्रेजेंटेशन के बाद सारे कर लेंगे, और आज पूरे हो जाएंगे तो आज कर लेंगे, फिर भी आप 3 दिन यूज करिए, फिर भी कुछ और दिक्कतें आएंगी, कुछ और आपके सुझाव आएंगे, तो सारे सुझाव सारी दिक्कतों को हम लोग फिर से एक बार वीसी कर लेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। निखिल, अब आप अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर लीजिए। नमस्कार सर, हमारी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है आवाज। ओके थैंक यू। एक प्रश्न है, हम पावर पॉइंट में करें या डेमो दिखा दे एक रन करके? डेमो दिखा दीजिए तो और अच्छा है। डेमो दिखा देते हैं। ओके, अभी हम एज अ जेई लॉग इन करेंगे एक, जेई लॉग इन करने पर यूआरएल से दिखाओ। अच्छा, हम ये यूआरएल जो है दोपहर के बाद हम यहाँ पर चाणक्य पर ही उसकी लिंक डालने वाले हैं, वो चाणक्य से ही सब लोग डायरेक्ट ट्रिप आएंगे, चाणक्य जो कि सबको पता है, तो वहीं से हम लिंक देके एक्टिव कर देंगे इसे, तो सब लोग इसे देख पाएंगे। अभी तो सब लोग ये जो URL दिया हुआ है PWD estimate Rexaware, इसको सभी को लिंक भी भेज दिया गया था कल सभी लोगों को, तो अभी इसी URL से सभी लोग ऑन करेंगे। अभी जल्दी ही इसको हम प्रेरी वाले चाणक्य वाले होम पेज पर ही डाल देंगे ये लिंक, जिससे सीधा वहीं से क्लिक कर लेंगे आप। सही सर, और जैसे ये URL डालेंगे उसके बाद आपके पास फर्स्ट स्क्रीन आएगा लॉगिन करने के लिए, उस लॉगिन में आपके पास जो चाणक्य के आपके क्रेडेंशियल्स हैं, यूजर नेम और पासवर्ड है, वही इसमें भी यूज होंगे हर एक लेवल पे, JEE XCM सभी लेवल पे चाणक्य के ही यूजर नेम और पासवर्ड यूज होंगे। उस लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड एंट्री करने के बाद आपके पास फर्स्ट स्क्रीन ये आएगा। यस निखिल कंटिन्यू। राइट सर, फर्स्ट स्क्रीन आने के बाद नया एस्टिमेट बनाने के लिए क्रिएट ए न्यू एस्टिमेट बटन पे क्लिक करना है हमें। यहाँ क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, एस्टिमेट किस प्रकार का है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज या कलवर्ट है या बिल्डिंग है, रोड है या रोड एंड ब्रिज है। अभी डेमो के लिए हम रोड सिलेक्ट करते हैं, रोड कैटेगरी से विलेज रोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क ये हमने सिलेक्शन में दिया हुआ है, ताकि आप सिलेक्ट कर पाए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज है, एस्टिमेट है। सभी लोगों से फिर रिक्वेस्ट है अपने माइक म्यूट पे कर लीजिए, आपके नाम आप स्क्रीन पे आ जाते हैं, फिर अभी कॉल करना पड़ेगा हमें, डिस्टरबेंस हो रही है। अगर नया काम है तो उसके लिए सृष्टि कोड की आवश्यकता नहीं है, अगर कोई पुराने काम पर काम चल रहा है जैसे वार्डनिंग स्ट्रेंजिंग चल रहा है या और कुछ स्पेशल रिपेयर का चल रहा है, तो सृष्टि कोड भी डालना पड़ेगा हमें, जिससे कि सृष्टि कोड से लिंक और चेकिंग भी हो पाएगी। स्टार्ट और एंड टेनेंट डालते हैं तो उसके बाद लेंथ ऑफ वर्क आ जाएगा,
किस स्कीम के अंदर हम करना चाहते हैं। अभी हमने टेम्पररी इसमें स्कीम डाले हुए है, हेडक्वार्टर लेवल पे ये स्कीम्स बाद में बढ़ाई जाएगी, उसमें आप एंटर कर पाओगे। तो कोई स्कीम सिलेक्ट करके सर्कल और डिवीजन सिलेक्ट करने हैं आपको। बाय डिफॉल्ट जिस डिवीजन का लॉगिन किया हुआ है, अभी हमने लॉगिन जेई का किया हुआ है, तो जिस डिवीजन का लॉगिन हुआ है वही डिवीजन और सर्कल यहाँ आ जाएंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करनी है, उस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये काम हो रहा है, किस विधानसभा क्षेत्र में ये काम हो रहा है। विकर्ण का अगर नाम हो तो डाल दीजिए। विलेज पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। ये डेटा फीड करने के बाद आखिर में आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप जो एस्टिमेट बना रहे हैं तो किस बेसिस पर बना रहे हैं, मतलब डीएसआर के एसआर पर बना रहे हैं या मॉड या मॉर्थ या एसआर पर बना रहे हैं। अभी हम टेम्पररी मॉड सिलेक्ट करते हैं डेमो के लिए। इसके बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए। अभी तो भरने के लिए दे दिए, अदरवाइज पूरी लिस्ट है वो भी ड्रॉप डाउन पे दे देंगे ऐसे जैसे। इसके बाद अगर हमें ये एस्टिमेट हमने कोई पहले बना के हम पहले कोई एस्टिमेट जिससे हमें सभी आइटम्स कॉपी करने हैं, क्योंकि जब हम मॉर्थ सिलेक्ट करेंगे तो मॉर्थ के सभी आइटम आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें कुछ 20-30 आइटम ही चाहिए गिने चुने और जैसा हम एस्टिमेट पहले बना चुके हैं तो वो नाम हम यहाँ सर्च कर सकते हैं पुराना एस्टिमेट का कोई, और वहीं से सब आइटम कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद हमें सिर्फ क्वांटिटी भरनी है आइटम्स की। अभी हम फिलहाल नो करते हैं यहाँ पर, ये आप खुद ट्रायल करके देख पाएंगे बाद में। सभी आइटम आ गए यहाँ पर मॉर्थ के जो फीड किए हुए हैं हेडक्वार्टर लेवल से। अब यहाँ जिस चाहे उस आइटम की हम क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं। क्वांटिटी आप मल्टीपल एंटर कीजिए। मल्टीपल क्वांटिटी एंटर करने के बाद आपको सिर्फ अपडेट बटन पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए इसमें से कोई आइटम हमें नहीं चाहिए, ये हम स्किप करके डायरेक्टली जो चाहे उस आइटम की ही सिर्फ क्वांटिटी एंटर कर लेंगे। सब क्वांटिटी एंटर करने के बाद अपडेट पे क्लिक करना है हमें। तब इस क्वांटिटी जो हमने एंटर की थी वो सब सेव हो जाएगी। अभी यहाँ जो लोड हुआ था ये सब मॉर्थ के आइटम्स सब लोड हुए हैं यहाँ पर। इसके बावजूद अगर हमें कोई नया आइटम ऐड करना है किसी दूसरे एसओआर से, तो ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करके जो बॉक्स खुलेगा उसमें से हम किसी भी और एसओआर से या किसी भी और
जो रेट्स होते हैं वहां से हम आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। दो मिनट लोड हो रहा है ये। हमने एसओआर सिलेक्ट किया। अगर हमें कुछ आइटम जानते हैं और हमें वो देना है तो कोई भी वर्ड टाइप करके सर्च कीजिए, यहाँ पर हो जाएगी। जो आइटम हमें चाहिए वो यहाँ क्लिक करके हम जब ऐड सेलेक्ट आइटम पे क्लिक करेंगे तो वही आइटम यहाँ ऐड हो जाएगा एस्टिमेट में नीचे। इसकी क्वांटिटी फीड करने के बाद हमें सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी आपको दिखाते हैं। आ गया एसओआर के आइटम बिटुमेन के सेक्शन में, ये क्लिक कर दिया। Add selected. And जब add हो जाएगा उसके बाद आपको सिर्फ next पे क्लिक करना है। निखिल जी सर, हेलो, कंटिन्यू। यस सर, थोड़ा स्लो हो गया है आप नेट। वही लग रहा था कि we are missing something somewhere. जिन आइटम्स का हमने क्वांटिटी फीड की थी नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वही आइटम्स यहाँ पर आ गए। जैसे इस बार का हमने एक आइटम ऐड किया था, बाकी पांच मॉर्थ के आइटम्स की हमने क्वांटिटी फीड की थी। तो ये बेसिक एस्टिमेट प्रिपेयर हो जाता है हमारा। इसके बाद हमें यहाँ पर रेट एनालिसिस
और आरएमआर ऐसी दो फाइल्स अपलोड करना अनिवार्य है। इसके बाद हम डायरेक्टली एस्टिमेट के इंडेक्स पेज पे चले जाएंगे। अगर आपको दिखा देते हैं हम अपलोड, ये हमने अपलोड कर दी फाइल। दूसरी अपलोड कर दी हमने। के बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमें ये इंडेक्स पेज मिलेगा। ये किसी भी एस्टिमेट के लिए कॉमन होम पेज होगा उस एस्टिमेट का, जहां हम एस्टिमेट देख पाएंगे, क्वांटिटी एंटर कर पाएंगे। या एब्स्ट्रैक्ट अगर हमें एंटर करना है रिकैपिटुलेशन शीट, तो हम यहां क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। मेजरमेंट का काम कर रहा है। इसे डेमो के लिए पूरा एस्टिमेट की कॉस्ट इतनी है, उसमें कंटीन्यूअसली ऐड करनी है हमें, कुछ बदलना है तो वो भी हम चेंज कर पाएंगे। और टोटल एस्टिमेट की कॉस्ट यहाँ आ जाती है। सेव करने के बाद ये सब क्वांटिटी सेव हो गई। क्लिक ऑन बैक बटन, फिर से इंडेक्स पे आ गए हम। अभी हमारा दो पेज का एस्टिमेट रेडी हो गया। अगर यहाँ पर पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो इसी की पीडीएफ बन जाएगी पूरी। इस प्रकार से टोटल कॉस्ट आ गई, पूरे आइटम्स आ गए हमारे। और इसके साथ अगर वो एनालिसिस और आरएमआर शीट डाउनलोड करना चाहे कोई भी, तो डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा एस्टिमेट बन गया। ये यहाँ डैशबोर्ड जो है, यहाँ से हम एस्टिमेट फॉरवर्ड कर पाएंगे। जैसे हमने जेई का लॉगिन किया था अभी, तो यहाँ दिखा रहा है कि एस्टिमेट प्रिपेयर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिनांक 18/5। यहाँ नीचे अब देखोगे तो ये समझ में आएगा कि ये एस्टिमेट जेई के पास है अभी। जब इसे फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये एस्टिमेट मूव हो जाएगा एई के पास। अब एई लॉगिन से अगर हम चेक करते हैं तो वहीं पर एस्टिमेट हम ये दिख जाएगा। एई कैन मेक चेंजेस टू द क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी चेंज करना चाहिए तो वो भी चेंज कर पाएंगे। उसके बाद फॉरवर्ड करेंगे ई के पास, इस तरह से आगे एस्टिमेट मूव हो जाएगा और उसकी प्रोग्रेस हमें यहीं पर दिख जाएगी। इसके लिए रिपोर्ट भी दिया हुआ है। अगर हम रिपोर्ट देखना चाहे कि आज के दिन में कोई एस्टिमेट हमने फॉरवर्ड किया था, सिर्फ अभी क्लिक करते हैं। जैसे हमने साइड बनाई थी डेमोन्स्ट्रेटर फॉर एस्टिमेटर, ये पूरा एस्टिमेट अभी यहाँ से उसका स्टेटस क्या है, भी कहाँ हुआ है, अगर अप्रूव हुआ तो अप्रूव हुआ या नहीं हुआ है, ये पूरी जानकारी आपको डेस्क पे ही मिल जाएगी आपके। दिस इज हाउ द एस्टिमेट विल फंक्शन।
अगर हम इसमें कुछ देखना चाहे या चेंज करना चाहे तो सिलेक्ट एग्जिस्टिंग साइट फॉर एडिटिंग में जाके हम उसका कुछ कीवर्ड टाइप करें उस काम का, यहाँ आ जाएगा। क्लिक करने के बाद हम अगर हम गो करते हैं तो डायरेक्ट इंडेक्स पेज पे आ जाएंगे। अगर हमें कुछ क्वांटिटी देखनी है या चेंज करनी है, अब यहाँ से जेई से फॉरवर्ड हो चुका है इससे यहाँ दिखेगा नहीं कुछ, लेकिन बाकी आप इंफॉर्मेशन पूरी देख पाओगे। इस प्रकार से इन शॉर्ट एस्टिमेट कैन बी क्विकली प्रिपेयर्ड फॉरवर्डेड और उसकी पूरी जानकारी उस डिवीजन को होगी कि एस्टिमेट किस लेवल पे है, भी उसका स्टेटस क्या है, वो बैक हुआ है या फॉरवर्ड हुआ है, इस चीज के लिए हुआ है, पूरी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। हमारा ये कहना है कि आप एक बार यूज करके देखिए इसे, अगले 2-3 दिन हम ओपन रखेंगे इसमें, चाहे वो चेंज कीजिए, बाद में हम चाहे तो डिलीट कर देंगे और फिर से आप नए सिरे से शुरुआत कर सकते हो। तब तक के लिए डेमो के लिए हम ये साइट ऑन रख देंगे। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो सॉफ्टवेयर बना है आपके एक छोटे से एस्टिमेट को बनाने के लिए बना है। बैकएंड पे आपके एनालिसिस आरएमआर सारी चीजें रहेंगी, तो वो जैसे आप पहले करते थे वैसे करेंगे। लेकिन जो एक डिटेल्ड एस्टिमेट अभी हेडक्वार्टर आता था, यहाँ से शासन जाता था, आधे स्वीकृत होते थे आधे स्वीकृत नहीं होते थे, तो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले जैसे पी बना करते थे एक तरीके से, उसी पैटर्न पे एक डिस्ट्रिक्ट का एक तरीके के वर्ष के लिए एक ही पैटर्न का एस्टिमेट बनेगा, उसको ये बहुत अच्छे ढंग से फैसिलिटेट करेगा। नेटवर्क थोड़ा स्लो होने की वजह से आप लोग इस प्रेजेंटेशन को बहुत स्मूथली नहीं देख पाए, लेकिन एस्टिमेट बनाना तो हमारे एक तरीके से खून में है, तो उसमें कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसमें हमारी समझ में ना आए। फिर भी अगले 2 दिन ये बिल्कुल प्रैक्टिस करने के लिए ओपन है, आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है जितनी तरीके से करनी है आप सभी लोग आसानी से करिए। जो जो चाणक्य के आपके यूजर नेम पासवर्ड थे जेई के ए के एक्सियन के सभी लोगों के, वो वही रहेंगे, आप उन्हीं से इसको भी ऑपरेट कर पाएंगे। लिंक हर एक को शेयर कर दिया गया है। इस बीच में आपको आज मंगलवार है, मंगल बुध बृहस्पति 2.5 दिन आप इस पर जैसे भी प्रैक्टिस करनी हो सब सब तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसमें से जो कमी या कुछ और सुझाव निकलते हैं तो हम लोग फ्राइडे को एक बार फिर बैठ लेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे और उसपे जो कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा वो कर लेंगे, ठीक है ना। तो और जो थर्सडे इवनिंग तक आपने जो कुछ भी से किया होगा वो हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सब तरीके से प्रैक्टिस करिए, आपकी प्रैक्टिस से सॉफ्टवेयर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 दिन बाद हम वो सारा का सारा प्रैक्टिस वाला डाटा डिलीट कर देंगे, उसके बाद आप अपना एक्चुअल एस्टिमेट बनाने की प्रोसेस में आ जाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आपको अभी कोई यूज करने में कोई प्रश्न आता है तो अगर ऑपरेट करने में कोई दिक्कत आ रही है तब तो डेफिनेटली फोन कर लीजिए, लेकिन कोई ऐसा सुझाव हो तो अभी इंडिविजुअली सुझाव देने की कोशिश नहीं करिएगा। फ्राइडे को फिर बैठेंगे, उसमें सब सुझाव दे दीजिएगा जिससे सभी लोग उसका समझ पाएंगे। फ्राइडे को एक कोशिश और करेंगे, आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, हम लोगों का जो डिविजन पे जो वीसी का सेटअप है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे डेफिनेटली आप अपने कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स का फॉलो करेंगे वहां पर। लेकिन मीटिंग हॉल्स हमारे इतने बड़े बड़े होते हैं कि अगर दूर दूर भी कुछ यही सभी लोग ना आके कुछ लोग आ जाएंगे, कुछ लोग समझ लेंगे तो बाकी से लोगों को समझा लेंगे। तो कोशिश ये करेंगे उस दिन फ्राइडे को कि हम लोग 11 बजे अपने ऑफिस सेटअप से इसको एक बार फिर से आप लोगों को समझा दें, क्योंकि इंडिविजुअली मोबाइल से काफी लोग कनेक्टेड हैं लेकिन उतने स्मूथली डेफिनेटली वो मोबाइल से नहीं समझ पाए होंगे। ऑफिस सेटअप से अच्छे तरीके से समझ लेंगे और उस दिन हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। 11 बजे फ्राइडे को फिर से एक डीसी रख लेंगे। तो जो कुछ सुझाव होंगे सभी लोगों को जानकारी में आएंगे आपके सुझाव, इसके लिए उस दिन 11 बजे उन चीजों पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसमें आप आराम से 3 दिन प्रैक्टिस करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एस्टिमेटर के संबंध में कुछ बातें जो है वो मिसिंग है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें जैसा कि
गंगवार साहब ने भी बताया, निखिल ने भी बताया, इस एस्टिमेटर के लिए जो अभी वर्तमान में हमारा यूआरएल है खोलने के लिए वो है pwdestimate.rexaware.com pwdestimate.rexaware.com। जब आप इस यूआरएल पे जाएंगे तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा। सबसे पहले मैं इस एस्टिमेटर का फिलॉसफी बता दूं, इस एस्टिमेटर में डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट आपको अभी भी एस्टिमेट के थ्रू डेवलप नहीं करना है, मैनुअली डेवलप करना है जैसे पहले हम डेवलप करते थे। डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट का पार्ट हमारा ये एस्टिमेटर अभी कवर नहीं कर रहा है। डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट आपको आइटम वाइज क्या क्वांटिटी आएगी, कैसे आएगी, ये डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट आप फिर बाहर अपने एक्सेल शीट पर बना लेंगे। आप पहला काम तो करना पड़ेगा आपको उस पर्टिकुलर एस्टीमेट का डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट बनाना। डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट बना करके आप उसके पीडीएफ फाइल बना लीजिए। और जैसे जेई जब स्टार्ट करता है अपने लॉग इन आई डी से तो उसके पास अभी इन्होंने दिखाया था निखिल ने कि जो पहला पेज है कि किस टाइप का एस्टीमेट है क्या है वो सारे डिटेल्स आपको भरने हैं। उस भरने के बाद कौन सा आप एसवार यूज कर रहे हैं, एसवार में हम लोगों ने चार एसवार दिए हैं जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी में चल रहे हैं। एक मोड है, मोड है, डीएसआर है और एसवार है उस पर्टिकुलर सर्किल। इसमें आप देख लीजिए ये टाइप ऑफ द एस्टिमेट में हमने फिलअप कर दिया, रोड कैटेगरी में हमने फिलअप कर दिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क ये सब सिलेक्शन बेस्ड है हमने फिलअप कर दिया, नेम ऑफ द वर्क हमने फिलअप कर दिया, ये सारा का सारा टेबल हमने फिलअप कर दिया। फिर जब हम क्रिएट एस्टीमेट पे जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। इसमें देखिए सबसे नीचे है सिलेक्शन एसओआर। इसमें आप एट ए टाइम अगर मान लिया एक एस्टीमेट में आपको कुछ आइटम बोर्ड के भी लग रहे हैं, कुछ आइटम एसओआर के लग रहे हैं या कुछ आइटम डीएसआर के लग रहे हैं तो एट ए टाइम आप तीन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तीन भी सिलेक्ट कर सकते हैं या चारों। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे एस्टीमेट में चारों आइटम की आवश्यकता है तो आप चारों एसओआर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये पेज जो खुल रहा है ये हमारा मेन पेज है। इस पेज में क्या है कि जो हम जिस एसओआर को हमने सेलेक्ट किया है, बोर्ड किया है, बोर्ड किया है या डीएसआर किया है उसके सारे आइटम्स आ जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने इस एस्टिमेटर में बोर्ड के लगभग 160 आइटम फीड किए हैं, बोर्ड के लगभग 60 आइटम है और एसओआर जो